बुरहानपुर जिले में जंगल से अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग और पुलिस टीम पर हमले की घटना सामने आई है। अतिक्रमणकारियों ने टीम पर पत्थरों से प्राण घातक हमला कर दिया। हमले में 6 से अधिक वन कर्मी और पुलिस कर्मी घायल हो गए। ये घटना नेपा नगर की नवारा रेंज के बकड़ी की बताई जा रही है। बुरहानपुर क्षेत्र में 15 दिनों के अंदर वन और पुलिस कर्मियों पर हमले की यह दूसरी घटना है। जानकारी के मुताबिक नवारा रेंज के जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई की सिलसिला जारी है। यहाँ कई मकान अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। उसे हटाने के लिए टास्क फोर्स की टीम बुधवार दोपहर ग्राम बकड़ी पहुंची, जहाँ टपरिया तोड़ते समय टास्क फोर्स की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने गोफन से पत्थर बरसाए। इस मामले में 6 से अधिक वन कर्मी और पुलिस कर्मी घायल हो गए। वहीं टीम के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। हमले में घायल हुई पुलिस एवं वन कर्मी को उपचार के लिए नेपा नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। बताया जा रहा है कि हमले में जेसीबी मशीन तहसीलदार के वाहन को भी नुकसान पहुंचाया गया है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद एसपी राहुल कुमार लोढ़ा भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि इससे पहले 11 अक्टूबर को भी बकड़ी सिवल रोड पर जामुन नाले के समीप वन कर्मियों पर हमला हुआ था, जिसमें करीब 8 वनकर्मी घायल हुए थे। 15 दिन के भीतर यह दूसरा हमला है। अभी भी लगातार नावरा रेंज के पानखेड़ा बीट में अवैध कटाई जारी है।